हेलो एवरीवन, वेलकम टू R&D विद कीवी। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक 100% नेचुरल, इजी टू मेक और बहुत ही इफेक्टिव बॉडी लोशन की रेसिपी। ये है मेरा वो बॉडी लोशन जो मैंने खुद बनाया है, और इसका मैं आपको अगर टेक्सचर दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और सॉफ्ट है ये। ये बॉडी लोशन को बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए लगते हैं सिर्फ 2 मिनट और 3 सिंपल इंग्रेडिएंट्स। और ये इंग्रेडिएंट्स भी आपको कहीं पे भी आसानी से मिल जाएंगे, बहुत ही इजीली अवेलेबल चीज़ें यूज़ की हैं मैंने इसके लिए। इसको बनाना जितना आसान है ये उतना ही इफेक्टिव भी है। और अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को घर पर बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगता है कि उसको आप एग्जैक्टली अपने स्किन और हेयर के नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें चीजें बढ़ा या घटा सकते हैं जैसी आपकी नीड है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से। कि अगर आप एक बॉडी लोशन लाते हैं जो कि ड्राई स्किन के लिए है, तो हो सकता है कि वो जिसकी थोड़ी बहुत ड्राई स्किन हो उसके लिए काम करे, पर जिसकी बहुत ज्यादा ड्राई हो उसके लिए काम ना करे। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसकी बहुत ज्यादा ड्राई है उसके लिए वो ड्राई स्किन वाला लोशन काम करता है, पर जिसकी थोड़ी सी ड्राई है उसके लिए वो बॉडी लोशन चिपचिपा और ग्रीसी लग सकता है। पर जब आप अपने प्रोडक्ट्स को खुद घर पे बनाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप उन चीजों को थोड़ा बढ़ा या घटा सकते हैं और एग्जैक्टली अपने स्किन के हिसाब से उस प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे बना सकते हैं हम अपना ये अमेजिंग सा बॉडी लोशन। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसको सभी के साथ शेयर करिएगा। प्लस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बाजू में जो बेल बटन आता है उसको भी हिट करिए, ताकि आप फ्यूचर में भी ऐसे सारे DIYs को मिस ना करें। सो नाउ लेट्स रोल। इस बॉडी लोशन को बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 3 चीज़ें, और वो चीज़ें हैं एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, और तीसरा है रोज़ वाटर। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो बहुत अच्छा होगा, पर अगर आपके पास वो नहीं है तो जो भी कोकोनट ऑयल आपके पास है उसको यूज़ करिए, बस वो 100% प्योर हो, इसका ध्यान ज़रूर दीजिएगा। इसको बनाने के लिए अब आप एक बाउल लीजिए और उसमें डालिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल, उसमें हमको ऐड करना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, और फिर 4 से 5 चम्मच रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल। इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करिए, और उसके बाद आपका बॉडी लोशन जो है वो रेडी है। इसका जो एलोवेरा जेल का जो ट्रांसपेरेंट कलर था, जब आप अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक क्रीमी टेक्सचर का हो जाएगा, बहुत ही फ्लफी क्रीम रेडी हो जाएगी। जब इसको मिक्स करके एक फ्लफी सी क्रीम रेडी हो जाए तो बस आपका बॉडी लोशन जो है वो रेडी है। इसको अब आप एक कंटेनर में स्टोर कर लीजिए, इसको 1 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, इसको आपको फ्रिज में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, 1 चम्मच की जगह 2 या 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। प्लस अगर उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, और भी अगर आपको ड्राई लग रही है और आपको ज़्यादा कोकोनट ऑयल ऐड नहीं करना है, तो आप उसकी जगह ग्लिसरीन को यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करिए, वो भी ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। प्लस आप चाहें तो इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स को भी ऐड कर सकते हैं। आप विटामिन ई के कैप्सूल को कट करके उसके अंदर जो ऑयल होता है उसको इसमें पोर इन करके मिक्स कर सकते हैं, उससे आपका क्रीम जो है वो और न्यूट्रिशियस हो जाएगा, वो आपकी स्किन के लिए और बेहतर हो जाएगा। पर यहाँ पे मैंने विटामिन ई ऐड नहीं किया है, मैंने सिर्फ 3 सिंपल इंग्रेडिएंट से इसको बनाया है। आगे इसको कैसे कस्टमाइज करना है वो चॉइस कंप्लीटली आपकी है। अगर आप थिक लोशन चाहते हैं तो आप रोज वाटर की क्वांटिटी को घटा सकते हैं, और अगर आपको अपना बॉडी लोशन जो है वो थोड़ा रनी पसंद है तो आप रोज वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अभी मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ थोड़ा सा। मैंने बस इतना सा बॉडी लोशन लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा है ये, और इसको मैं अपने हाथों पे पाम्स पे अच्छे से रब करके अपने हैंड्स पे अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको। और आप देख सकते हैं कि इतना बिल्कुल एक ड्रॉप बॉडी लोशन था, उतना सा बॉडी लोशन मेरे इतने हैंड्स को कवर किया है उसने, और ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, ऑयली नहीं है, अच्छे से मेरी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो चुका है। सो फ्रेंड्स, यस, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इस बॉडी लोशन को ज़रूर ट्राई करिएगा, और रेडीमेड बॉडी लोशंस के कंपैरिजन में ये बहुत अलग है और बहुत अच्छा है, क्योंकि उन पे लिखा तो होता है कि उसमें एनरिच्ड विथ सो एंड सो, विथ गुडनेस ऑफ एलोवेरा, और ऐसे सब लिखा होता है, पर उसमें एक्चुअली कितनी गुडनेस होती है ये हमको पता नहीं होता है। उनके इंग्रीडियंट लिस्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा, पर इसके साथ आप बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हैं। अब मैं जल्दी आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर
सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जाने के पहले प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।